एक बार पुनः आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आप लोग पिछले कालांश में पढ़ रहे थे जनसंख्या संगठन के दो पहलुओं के बारे में। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एक बार पुनः कि जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना से तात्पर्य है किसी प्रदेश की जनसंख्या के उन जनांकीय विशेषताओं से है जिसमें जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने आयु वर्ग और लिंगानुपात के बारे में चर्चा की है। लिंगानुपात यानी कि किसी प्रदेश की जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों के बीच का संतुलन का जो सूचक माना गया है, जबकि आयु वर्ग या आयु संरचना से तात्पर्य है किसी प्रदेश की जनसंख्या में लोगों को उनकी विभिन्न प्रदेश की जनसंख्या में विभिन्न आयु के लोगों को उनकी आयु या उम्र के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखकर अध्ययन करने से है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण जनसंख्या से तात्पर्य है किसी प्रदेश की उस जनसंख्या से है, उन लोगों से है जो गांव में निवास करते हैं। गांव में निवास करते हैं तथा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, अर्थात गांव में रहने वाले लोग जो मुख्य रूप से अपनी आर्थिक क्रिया के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है। जबकि नगरीय जनसंख्या की हम बात करते हैं तो इसके विपरीत नगरों में रहने वाले, नगरों या कस्बों में या शहरों में रहने वाले तथा गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में संलग्न लोगों को नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोग नगरों में निवास करते हैं, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं, अर्थात जिनकी आजीविका का मुख्य आधार गैर कृषि कार्य होता है, उन्हें नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी प्रदेश के विकास में ये बात भी निर्भर करती है कि उस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है या शहरों में रहती है, अर्थात शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से उनका जो जीवन है, उनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो गैर कृषि कार्यों से संबंधित होती हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि गांव, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, इन लोगों के बीच में लिंगानुपात संबंधी भी असमानता देखने को मिलती है, अर्थात विश्व के अधिकांशतः उन विकसित देशों के शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक मिलती है, जबकि भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में
महिलाओं की संख्या अधिक मिलती है और पुरुषों की संख्या कम मिलती है, जबकि भारत के नगरीय क्षेत्रों में, भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में पाए जाने वाले लिंगानुपात में भी असमानता देखने को मिलती है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों की संख्या है, अर्थात महिलाओं की संख्या कम है, जिससे नगरीय क्षेत्रों के जो वातावरण है उस पर काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है। नगरों में जो सामाजिक आपराधिक गतिविधियाँ हैं, छेड़छाड़ है आदि जो घटनाएँ हैं वो आए दिन होती रहती हैं, वो इसी का परिणाम है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का औसत अधिक पाया जाता है और पुरुषों का औसत कम मिलता है। इसका मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांशतः पुरुष काम और रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है उसमें असमानता मिलती है, और इस असमानता के आधार पर विश्व को ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के संगठन के आधार पर उसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, एक होता है मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, और एक होता है न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। इस प्रकार से विश्व में जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का असमान वितरण देखने को मिलता है, इस वितरण के आधार पर विश्व को तीन भागों में बांटा गया है, उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विश्व के महत्वपूर्णतः आपके USA, कनाडा आदि महत्वपूर्ण विकसित देशों को शामिल किया जाता है। ग्रामीण नगरीय संगठन के बाद व्यावसायिक संरचना की हम बात करते हैं। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक होता है उत्पादक वर्ग यानी कि युवा वर्ग, और जिसमें 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के आयु वाले लोगों को, 15 से 59 वर्ष, या दूसरी तरफ हम कह सकते हैं 15 से 64 वर्ष आयु वाले लोगों को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से एक वर्ग जो आता है उत्पादक वर्ग, या हम कह सकते हैं इसको कार्यशील जनसंख्या, अर्थात किसी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या या उत्पादक वर्ग अपनी आजीविका के लिए किन किन कार्यों में संलग्न है, किन किन सेवा सेक्टरों में सम्मिलित है, इसका अध्ययन किया जाता है। विश्व को मुख्यतः व्यावसायिक वर्ग की बात करते हैं तो चार सेवा सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा आपका आता है द्वितीयक सेक्टर, तीसरा आपका आता है तृतीयक सेक्टर,
और चौथा आपका आता है चतुर्थक, और इसी में शामिल कर लेते हैं हम पंचम क्रियाकलापों को। प्राथमिक सेक्टर की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विकासशील देशों की अधिकांश जो जनसंख्या है वो प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर करती है, अर्थात जिन लोगों के आजीविका का आधार, जिन लोगों के अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, अर्थात जिसका सीधा संबंध प्रकृति से होता है, प्राकृतिक विध्वंस से होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करते हैं कृषि, पशुपालन, भोजन संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन आदि क्रियाओं को, या वनों से लकड़ी काटना, भोजन संग्रहण, कंदमूल फल या आदि वन्य पदार्थों को एकत्रित करना आदि क्रियाओं को प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आने वाले क्रियाओं में औद्योगिक और विनिर्माण क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार आदि क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, और विशेष प्रकार के ज्ञान और शोध पर आधारित अन्वेषण, प्रेक्षण आदि पर आधारित नवीन विचारों पर आधारित क्रियाओं को चतुर्थक या पंचम सेक्टर में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से विश्व के विभिन्न लोग अपने किन किन क्रियाओं के द्वारा, अपनी कौन कौन से कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका चला रही है, इस बात का अध्ययन उस प्रदेश के व्यावसायिक संगठन या व्यावसायिक संरचना के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आता है कि विश्व के जिन देशों की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक सेक्टरों में संलग्न रहती है वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई होती है, और विश्व के जिन देशों की जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में सम्मिलित रहता है, शामिल होता है, आश्रित होता है, उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होती है, समृद्ध होती है। यही बात है कि विश्व के जो विकासशील देश हैं वो इसीलिए विकासशील हैं कि उनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर पर करती है, जबकि आपके यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीपों के अधिकांश देशों की जनसंख्या आपके तृतीयक, तृतीयक और चतुर्थक पंचम सेवा सेक्टरों में संलग्न रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पहलू, साक्षरता। देखिए बच्चों, साक्षरता से किसी भी देश के आर्थिक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक, उसके सांस्कृतिक, उसके प्रगति आदि का ज्ञान होता है। किसी प्रदेश में साक्षरता उस प्रदेश की जनसंख्या का महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसमें उस जनसंख्या के ज्ञान, उसके विकास, उनके प्रगति आदि का अध्ययन किया जाता है। साक्षरता से तात्पर्य उस प्रदेश की जनसंख्या में 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो पढ़ना लिखना जानते हैं, एक दूसरे को समझ सकें, समझा सकें, जिन्हें अक्षरों की पहचान हो, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग कर सकें, ऐसे लोगों को साक्षर माना जाता है, और साक्षर उनके साक्षर की जो ये प्रक्रिया है वो साक्षरता के अंतर्गत आती है। तो किसी प्रदेश का जो गुणात्मक, जनसंख्या का जो गुणात्मक पहलू है वो साक्षरता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हमने इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया है। धन्यवाद।